हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल 9x। मैं हूं सिद्धू सकर्मा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। सबसे पहले जो डिफिनेशन लिखा गया है, मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूं। उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दिस इज डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड डिनोट्स द सेट रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, अगर आपने जो इससे पहले की वीडियो है रैंडम एक्सपेरिमेंट का नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लीजिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। फिलहाल मैं आपको बता देने वाला हूँ कि सैंपल स्पेस क्या है। यहाँ पर देखिए, मैंने दो एग्जांपल लिया हुआ है, एक क्वाइन का और एक डाई का। अगर आप एक क्वाइन को फ्लिप करते हैं हवा में, ठीक है, तो जो आपको इवेंट आ सकता है, जो आपको जो घटना घटेगा, उसमें हेड आ सकता है या तो तेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सैंपल स्पेस में उसी को लिखते हैं, इवेंट को लिखते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये दो ही प्रोबेबिलिटी है, दो ही आउटकम्स हैं, ठीक है, एक जब हम लोग क्वाइन को फ्लिप करते हैं तो ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा इस क्वाइन के लिए। सेकंड नंबर देखिए, अगर हम लोग एक डाई को हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, या तो वन आए, या तो टू आए, या तो थ्री आए, या तो फोर आए, इनमें से कोई भी इवेंट आ सकता है, या तो फाइव आए या तो सिक्स आए। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल स्पेस में इस तरह से, एक कर्ली ब्रेसेस में जितने भी इसके पॉसिबल आउटकम्स है उसको लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब आप जो देख रहे हैं ना, वन टू थ्री, ये सब एक 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 इवेंट है, ठीक है, जो आ सकता है, ठीक है। वन ही आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यानी फोर फाइव सिक्स, लेकिन सेवन नहीं आ सकता, ठीक है, जीरो नहीं आ सकता, क्योंकि आपने पता है डाइज में सिर्फ वन टू सिक्स ही होते हैं, और क्वाइन में क्या होता है, हेड या फिर तेल ही हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसको हम लोग इस तरह से सैंपल स्पेस के जरिए लिखते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।